वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत है। आज से हम लोग शुरू करेंगे क्लास 11 का नया चैप्टर सेट। सेट सुनकर अच्छा लगता है। घर में मम्मी बोलती हैं सारी चीजें क्या होनी चाहिए, सेट होनी चाहिए। आइए टॉपिक पे आते हैं। सेट, सेट क्या हो सकता है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा हो सकता है? इंसानों का कलेक्शन, जानवरों का कलेक्शन, आपके किताबों का कलेक्शन, आपके कपड़ों का कलेक्शन, हर एक चीजों को सेट कहा नहीं जा सकता। सेट उसे ही कहा जा सकता है जस्ट जो कलेक्शन आपके लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए और आपके पड़ोसी के लिए सेम हो। जैसे कि दूल्हे का कपड़ा लेने जा रहे हैं तो दूल्हे के कपड़े में क्या है कि सभी को शेरवानी ही चाहिए, तो शेरवानी का जो सेट देगा, शेरवानी, पैजामा, दुपट्टा, वो क्या रहेगा, सभी दूल्हे का सेम रहेगा, तो उसको सेट कहा जा सकता है। अब आते हैं मैथ्स में। मैथ्स में क्या है, सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में जो गिनती आती 1, 2, 3, 4, 5, किसी को भी नेचुरल नंबर का सेट लिखने दे दीजिए, वो 1 से स्टार्ट करके इन्फिनिटी तक लिखेगा। तो ऐसा सेट जो सभी के लिए, पर्सन टू पर्सन के लिए सेम रहे, उसको बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड सेट। और भी एग्जांपल देखते हैं। इंटीजर्स का सेट, इंटीजर्स के सेट को जेड से डिनोट करते हैं। अब सेट ऑफ इंटीजर्स सभी के लिए सेम रहेगा, पर्सन टू पर्सन ये सेट क्या है, सेम है। सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, रेशनल नंबर का सेट भी सभी के लिए सेम है। अगर किसी को रेशनल नंबर बोल दिया जाए लिखने के लिए चाहे बोलने के लिए, तो वो सेम ही नंबर बोलेगा चाहे लिखेगा। आर प्लस, आर प्लस का मतलब है आर से रियल नंबर का सेट और प्लस मतलब पॉजिटिव। सेट ऑफ ए आर पॉजिटिव रियल नंबर। जेड प्लस, जेड का मतलब जानते हैं इंटीजर्स, और जेड प्लस सेट ऑफ ए आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ये सभी के सभी क्या है, वेल डिफाइंड सेट है। आगे समझते हैं। सेट मेनली दो तरीके से होते हैं, रोस्टर चाहे टेबुलर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों को अलग अलग तरीके से समझेंगे। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट को ही ऑब्जेक्ट बोलते हैं। सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है उनको अलग अलग लिखते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म में उन्हें वर्ड्स में लिखते हैं एक कॉमन प्रॉपर्टी के साथ। अभी आपको समझ में आएगा। देखिए जैसे यहाँ पे सेट ले लेते हैं, सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, सेट को हमेशा कैपिटल लेटर, और सेट के अंदर जो एलिमेंट होता है उसको स्मॉल लेटर से। जैसे कि सेट ले लेते हैं नेचुरल नंबर का सेट ले लेते हैं, वोबल्स का सेट ले लेते हैं, वोबल्स का, वोबल्स का सेट भी से दिखाएंगे। आप उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, जो वोबल्स आएंगे उनको लिख देंगे। कौन कौन से वोबल्स होते हैं, A, E, I, O, U। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर्स दिखाएंगे, और सेट के अंदर जो एलिमेंट होता है उसको हमेशा स्मॉल लेटर से। अब ब्रैकेट के अंदर अगर वो एलिमेंट है तो इसका मतलब ये क्या है, एक सेट है। अब ये रोस्टर फॉर्म में था कि उसके हर एक एलिमेंट हमने क्या सेपरेट अलग अलग लिख दिया। अब सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि भी कोई एक सेट है X, सेट को हमेशा ब्रैकेट में रखेंगे, इसमें कोई एलिमेंट है X मान लिया। अब वो X क्या है, X इज अ वोबल्स। समझ में आया कि रोस्टर टेबुलर फॉर्म में सेट का हर एक एलिमेंट अलग अलग रहेगा, और सेट बिल्डर फॉर्म में उसे वर्ड में लिखेंगे एक कॉमन प्रॉपर्टी के साथ। जैसे कि कॉमन प्रॉपर्टी के साथ एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरा सेट ले लेते हैं, दूसरा सेट है एन, इसमें एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 5, पांच नेचुरल नंबर है। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि सेट है जिसमें एलिमेंट है x, और ये x क्या है, x क्या लग रहा है, नेचुरल नंबर है, लेस देन 6, x इज अ सेट ऑफ
नेचुरल नंबर लेस देन सिक्स। एक बात और जानेंगे कि सेट n था, इसमें एलिमेंट्स थे 1, 2, 3, 4, 5। अगर बोला जाए 1 बिलोंग्स टू सेट n, n इस 1 इस सेट में है, तो 1 बिलोंग्स टू सेट n। इस साइन का मतलब है बिलोंग्स टू। अब बोल दिया क्या 6 भी n में बिलोंग कर रहा है, तो 6 तो इसमें है नहीं, तो 6 बिलोंग्स टू लिख के काट देंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू n। तो आई होप आपको इस साइन का मतलब समझ में आया होगा कि ये बिलोंग्स टू का साइन है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज देखेंगे। जय हिंद।